आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किस तरीके से माता सीता हनुमान जी की शक्ति पे शक करती है। जी हाँ, और उनका संदेह दूर करने के लिए हनुमान जी विशाल रूप धारण करते हैं। आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है हनुमान राक्षस युद्ध। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं। अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएँ हम अपने चैनल द्वारा आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, हनुमान राक्षस युद्ध। सीता से विदा लेकर जब हनुमान चले तो वे सोचने लगे कि जानकी का पता तो मैंने लगा लिया, उनको रामचंद्र जी का संदेश देने के अतिरिक्त उससे भी राघव के लिए संदेश प्राप्त कर लिया, अब शत्रु की शक्ति का भी ज्ञात कर लेना चाहिए। राक्षसों के प्रति साम दान और भेद नीति अपनाने से लाभ होना नहीं है, अंत मुझे यहाँ दंड नीति अपनाने के लिए अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना ही उचित जान पड़ता है। ऐसा सोचकर उन्होंने अशोक वाटिका को विध्वस्त करने का विचार किया, जो रावण अत्यंत प्रिय थी। उन्होंने विचार किया, जब वह अपनी प्रिय वाटिका को उजड़ते का समाचार सुनेगा तो अवश्य क्रोध होकर अपने वीर सैनिकों को मुझे पकड़ने या फिर मारने के लिए भेजेगा। यह विचार आते ही वह वाटिका के सुंदर वृक्षों को तोड़ने तथा उखाड़ने, जलाशयों में मंथने और पर्वत शिखरों को चूर चूर करने में लग पड़े। थोड़ी ही देर में वाटिका ऐसे जान पड़ने लगी मानो वह दावानल से सुलझ गई हो। सुंदर सरोवर के मणिमम स्फटिक घाटों टूट टूट कर मलबे में परिवर्तित हो गए। वाटिका में बनी अटकलियाएं भी अपने दिव्यस्त हाथों से ना बच सकी। इस प्रकार उन्होंने अशोक वाटिका को शोक वाटिका बना डाला। सब पक्षी घोंसलों से निकलकर आकाश में मंडराने लगे। जो राक्षसनियां रात भर सीता पर पहरा देते देते सो गई थी, वे भी अब इस शोर को सुनकर जाग गई और उन्होंने चकित होकर अशोक वाटिका की दुर्दशा को देखा। वे दौड़ती हुई रावण के पास गई और वहां पर जाकर बोली, हे राजन, अशोक वाटिका में एक भयंकर वानर घुस आया है, उसने सब वृक्षों को तोड़कर तहस नहस कर दिया है। सरोवर के घाटों तथा अटलिकाओं को भी तोड़कर कूड़े का ढेर बना डाला है। जब हमने उसे भगाने का प्रयत्न किया तो वह हमारे ऊपर झपट पड़ा। बड़ी ही कठिनाई से हम प्राण बचाकर आपके पास पहुंची हैं। उस दुष्ट वानर ने तो जानकी के साथ भी ना जाने क्या क्या वार्तालाप किया है। हमें उससे बहुत भय लगता है, कहीं वह सीता को भी जान से ना मार डाले। यह समाचार सुनकर रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा। उसकी भ्रुकुटी धनुष की भांति तन गई। उसने तत्काल अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को पकड़कर मेरे पास लाओ। रावण की आज्ञा मिलते ही 80,000 राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और लोहे की श्रृंखला लेकर उस उत्पाती वानर को पकड़ने के लिए चल पड़े। विचित्र गदाओं, परिधनों और उयुक्ति से युक्त वे वेगवान राक्षस अशोक वाटिका के द्वार पर खड़े होकर वानर वीर हनुमान जी पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे मानो पतंग आग पर टूट पड़े हो। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी हनुमान ने उच्च स्वर में घोषणा की, महाबली श्री राम तथा लक्ष्मण की जय हो, श्री राम के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं महाप्रक्रामी कोस नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र शत्रुओं का संहार करने वाला हूँ। तुम मेरे पराक्रम का सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा।
राक्षसों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर बर्छे, भाले तथा पत्थर फेंकने लगे। यह देखकर क्रुद्ध हो हनुमान ने कुछ ही लातों घूंसों से पिटाई की और कुछ को तो अपने नाखूनों तथा दांतों से चीर डाला। बड़े बड़े योद्धा इस मार की ताव ना लाकर छत विछत होकर भूमि पर गिर पड़े। जो अधिक साहसी थे वे प्राणों का मोह त्याग कर हनुमान पर टूट पड़े। तभी उन्होंने एक छलांग लगाई और तोरण द्वार से एक लोहे की छड़ निकाल ली। फिर उस छड़ से उन्होंने वह मार काट मचाई कि बहुत से योद्धा तो वहीं खेत रहे और शेष प्राण बचाकर वहां से भाग गए। वो वहां से भागे और रावण के पास पहुंचे। जब रावण ने इन राक्षसों की ऐसी दशा देखी तो उनका क्रोध और भड़क उठा। उसने प्रहस्त के पुत्र जंबुवाली को बुलाकर कहा, हे वीर श्रेष्ठ, तुम जाकर उस वानर को पकड़ कर ले आओ। यदि वह जीवित ना पकड़ा जा सके तो उसे मार डालो। मुझे तुम्हारे बल पर पूरा विश्वास है कि तुम इस कार्य को भली भांति कर सकते हो। रावण की आज्ञा पाकर जंबुवाली अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गधों के रथ पर सवार हो हनुमान से युद्ध करने के लिए चला। जब उसने उन्हें तोरण द्वार पर बैठे देखा तो वे दूर से ही उन पर तीक्ष्ण बाण चलाने लगा। जब कुछ बाण पवन पुत्र के शरीर को छेदने लगे तो उन्होंने पास पड़ी हुई एक पाषाण शिला को उखाड़कर जंबुवाली की ओर निशाना साध कर फेंका। उस विशाल शिला को अपनी ओर आते देखकर उस वीर राक्षस ने फुर्ती से 10 बाण छोड़कर उसको चूर चूर कर डाला। जब हनुमान ने उस शिला को इस प्रकार टूटते देखा तो उन्होंने तत्काल एक विशाल वृक्ष को खाड़कर राक्षसों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया, जिससे बहुत से राक्षस मरकर और कुछ घायल हो गए और कुछ धराशायी हो गए। अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते देख जंबुवाली ने एक साथ 4 बाण छोड़कर उसका वृष काट डाला और फिर 10 बाण छोड़कर हनुमान को घायल कर दिया। जब हनुमान के शरीर से रक्त धारा प्रभावित होने लगी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वे एक राक्षस से लोहे का मूसल छीनकर जंबुवाली पर उससे धड़ाधड़ आक्रमण करने लगे। जैसे उसके घोड़े मर गए, रथ चकनाचूर हो गया और वह स्वयं भी निष्प्राण होकर पृथ्वी पर जा पड़ा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी हनुमान राक्षस युद्ध पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।